गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फोर्थ में EVS का चैप्टर नंबर 11 चेंज इन द हाउसिंग के आपको एक्सरसाइज फिल करवाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 73 ओपन करेंगे और इस एक्सरसाइज को बुक में ही फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हर क्वेश्चन में आपको चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से राइट आंसर पे आपको टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट है हमारा, इट इज नॉट यूज टू कंस्ट्रक्ट पक्का हाउस। इनमें से क्या चीज पक्का हाउस बनाने के काम में नहीं आती, नॉट यानी नहीं आती। ए ब्रिक्स यानी ईंटें, बी कंक्रीट यानी सीमेंट वगैरह, या फिर सी स्ट्रॉ यानी कि घास फूस वगैरह, भूसा वगैरह। तो किससे, इनमें से क्या चीज नहीं आती पक्का हाउस बनाने के लिए? स्ट्रॉ, क्योंकि इसका इस्तेमाल गांव में कच्चा हाउस जो होते हैं, हट वगैरह जो होते हैं, उन्हें बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड है, दे आर नॉट मेड इन विलेजेस। इनमें से क्या गांव में, विलेजेस यानी गांव में नहीं बनते? ए स्काई स्क्रैपर्स यानी कि आसमान छूती हुई इमारतें, बी हवेलीज, या फिर सी हट्स। तो गांव में क्या नहीं होता? ऑप्शन ए स्काई स्क्रैपर्स नहीं होते। हवेलीज में जो बड़े, जो रिच फैमिली जो होती है गांव की, जो रिच फैमिली होती है वो हवेली में रहती है, और जो बाकी के जो लोग हैं वो कच्चा हाउस यानी हट में रहते हैं। थर्ड है, रिच पीपल इन विलेजेस लिव इन, जो गांव के अमीर लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? ए विला में, बी हवेली में, या फिर सी अपार्टमेंट में। कहाँ रहते हैं? बी हवेली, ऑप्शन बी हवेली। फोर्थ है हमारा, ए डैश इज अ वेरी टॉल बिल्डिंग विद मैनी फ्लोर्स। ये जो है इसका मतलब, इसमें क्या है, काफ़ी बड़ी लंबी बिल्डिंग होती है और इसमें काफ़ी सारी मंजिलें होती हैं। ए स्काई स्क्रैपर्स, बी फ्लैट, या फिर सी हट। किस में होती हैं, क्या कौन सी चीज़ बड़ी बिल्डिंग होती है और जिसमें बहुत सारे फ्लोर होते हैं? स्काई स्क्रैपर्स, बड़ी बड़ी इमारतें जिनमें काफ़ी सारी मंजिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो ये खाली जगह है इनमें अपना आंसर फिल करना है। फर्स्ट है, अर्ली मैन लिव इन डैश एंड डैश। पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे? गुफा और पेड़ों पे, पेड़ों के ऊपर, केव्स एंड ट्रीज टॉप, ट्रीज टॉप। पेड़ों के ऊपर, गुफाओं में और पेड़ों के ऊपर। सेकंड है हमारा, रिचर पीपल इन विलेजेस लिव इन। जो गांव के जो अमीर लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? हवेली में। कहाँ पे? हवेली, एच ए वी ई एल आई ई एल आई एस, एल आई एस, हवेलीज। थर्ड है हमारा, हाउसेज इन सिटीज आर डैश हाउसेज। शहरों में जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? पक्का। कौन से हाउसेस होते हैं? पक्का हाउस, पी यू डबल सी ए, पक्का हाउस। फोर्थ है हमारा, डैश आर वेरी बिग एंड स्पेशियस हाउस। कौन सी, किस घर को, किस घर में मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस यानी जगह होती है और बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? विलास। जो काफ़ी बड़े बड़े और खुले खुले घर होते हैं उन्हें हम विलास कहते हैं। फिफ्थ है, द डैश एंड डैश आर वेरी हाई इन स्लम्स। जो बस्ती वगैरह होती हैं, बस्ती वगैरह या फिर झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं बस्तियों में, स्लम्स यानी बस्ती, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई क्या होता है, क्या चीज़ हाई होती है वहाँ पे? डिजीज, डी आई एस ई ए एस ई, डिजीज एंड क्राइम्स, सी आर आई एम ई, क्राइम, क्राइम रेट और डिजीज यानी बीमारियां और क्राइम जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पे? बस्ती वगैरह में। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी सही कथन के आगे ट्रू यानी कि टी लिखना है, और जो गलत है बात उसके आगे हमें फॉल्स यानी एफ लिखना है। फर्स्ट है हमारा, अर्ली मैन बिल्ट बेटर हाउसेज विद द हेल्प ऑफ टूल। पुराने समय के जो लोग थे वो औजारों के जरिए ज़्यादा अच्छे घर बना पाते थे। तो ये सही है गलत?
सही, ट्रू। जब उनके पास स्टोन्स यानी पत्थर के औजार या फिर मेटल के औजार वगैरह है तो वो ज़्यादा अच्छे से घर बना पाते थे, तो ये है ट्रू, बिल्कुल सही। सेकंड है हमारा, कच्चा हाउस आर मेड ऑफ कॉन्क्रीट। जो कच्चा हाउस होता है वो कॉन्क्रीट का, सीमेंट वगैरह का बना होता है, सही या गलत? गलत, फॉल्स। क्योंकि कच्चा हाउस जो बनता है वो काउ डंग से या फिर स्ट्रॉ वगैरह से या बैम्बू वगैरह से बनाया जाता है, कंक्रीट से पक्का हाउस बनता है। थर्ड है हमारा, पॉपुलेशन इज लेस इन टाउन्स देन इन द विलेजेस। शहर में गांव के मुताबिक कम जनसंख्या होती है, यानी जो शहर की जनसंख्या होती है वो गांव से कम होती है, सही या गलत? गलत, फॉल्स। क्योंकि शहर में यानी टाउन सिटीज़ वगैरह में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, आबादी है, वो ज़्यादा है गांव से। फोर्थ है, कंक्रीट रूफ्स आर स्लांटिंग, यानी जो पत्थर वगैरह की या सीमेंट वगैरह की जो छतें होती हैं वो स्लांटिंग होती हैं, तिरछी फिसलने वाली होती हैं, तिरछी सी होती हैं, सही है गलत? गलत, फॉल्स। क्योंकि कंक्रीट की जो रूफ्स होती हैं, छत होती हैं, वो फ्लैट होती हैं। फिफ्थ है, स्लम्स हैव अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशंस, यानी बस्ती में जो बस्तियों में अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशन होती है, वरना यानी कि वहाँ पे जो साफ सफाई की स्थिति नहीं होती है, लोग साफ सफाई वगैरह नहीं होती है, वहाँ पे गंदगी रहती है, सही या गलत? तो सही, ट्रू। बस्ती वगैरह काफ़ी गंदगी वगैरह रहती है ना वहाँ पे, क्योंकि स्पेस वगैरह कम होता है। ये हो गई आपकी बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है डू क्लास वर्क इन बुक, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।